धनबाद जिले के बागमारा आजसू कमेटी प्रदेश अध्यक्ष आजसू के निर्देश पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बागमारा प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इंदिरा चौक से प्रखंड कार्यालय तक आजसू नेता कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रखंड अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आजसू नेता रमा शंकर तिवारी ने कहा कि आजसू प्रदेश समिति के आदेश पर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है। बागमारा प्रखंड अंचल में ग्रामीणों का कोई काम बिना पैसे दिए नहीं किया जाता। प्रखंड अंचल के कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया है। आजसू पार्टी केंद्रीय निर्देशानुसार माननीय सुदेश कुमार महतो के आदेशानुसार आज हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज हम लोग बागमारा प्रखंड के कार्यालय सभागार में हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम जो है सो सरकार के विरोध में आज किए। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे कि अपने झारखंड प्रदेश में जितने भी प्रखंड कार्यालय है व्याप्त भ्रष्टाचार से लिप्त है, इतनी अराजकता फैली हुई है कि आम जन त्रस्त है। गांव ग्राम के गरीब लोग जब आते हैं अपना कार्य को लेकर के महीनों महीनों तक दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं हो पाता है। और छोटी छोटी ऐसी भी कार्य है जहां पे जो है सो खुलेआम पैसे की मांग कर दिया जाता है और वो देने में असमर्थ रहते हैं और महीनों भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है। इन्हीं सब बहुत तरह के विषय हैं जो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनका विरोध में आज हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम चलाए हैं। हम लोग बागमारा इंदिरा चौक से लेकर के प्रखंड मुख्यालय द्वार तक हम लोग पैदल मार्च के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ तक सफल बनाए हैं।